हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये डिलिशियस एग चाउमीन बनाने की रेसिपी। चाउमीन सबका बहुत ही फेवरेट स्ट्रीट फूड है और घर पर बनाना इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना डिले करें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले इसके लिए हम नूडल्स को बॉईल करके तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 8 से 10 कप पानी जो है उबलने के लिए रख दिया था। जैसे ही इस पानी में उबाल आ जाए आप इसमें डाल दें नमक, और चाहें तो एक या दो चम्मच इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डालना बाद में प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डाल रही हूँ अभी। और बस ये 150 ग्राम्स का नूडल्स पैकेट है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये पैकेट आप ले लें और ये नूडल्स का इस्तेमाल करें तो चाउमीन आपकी बहुत ही बढ़िया, जैसे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स होते हैं उसी तरीके की बनकर आएगी। तो ज़्यादा देर के लिए हम इन नूडल्स को बॉईल नहीं करेंगे, हमें इनको कुक करना है पार्शली, मतलब कि अध कच्चा पकाना है इसको, पूरा कम्प्लीटली नूडल्स को नहीं पकाना है। और इस स्टेज को बोला जाता है अलदांते, और इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप पानी को अच्छे से बॉईल कर लें, उसके बाद उसमें नूडल्स डाल के अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मिनट तक उसको उबलते हुए पानी में पकने दें और उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेन कर लें स्ट्रेनर की मदद से। और अगर आपको लगे कि किसी वजह से आपके नूडल्स जो हैं थोड़े ज़्यादा पक गए हैं, थोड़े ओवर कुक हो गए हैं, तो आप इमीडिएटली इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें स्टॉप करने के लिए कुकिंग प्रोसेस को, ताकि नूडल्स और ज़्यादा पकते ना जाएं गर्माहट में। मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब ऑयल भी डाल दिया है, 1 से 2 टीस्पून आप इसके ऊपर ऑयल डाल दें। और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दिया ऑयल डाल के, ताकि स्टिक आपस में चिपके ना ये नूडल्स। तो ये नूडल्स इसी तरीके से हमारे तैयार हो गए हैं बढ़िया एकदम। और अब इसको रखते हैं साइड में, प्रिपेयर करते हैं कुछ और चीज़ें जो इस चाउमीन को बनाने के लिए चाहिए। तो क्योंकि हम बना रहे हैं एग चाउमीन, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 eggs। तो एग की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। और अगर आप नहीं खाते हैं एग तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या मेरी वेज चाउमीन की रेसिपी भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर सीजनिंग के लिए, और अच्छे से इनको बीट कर लेंगे अब। और ये हमारा एग जो मिक्स है ये हमारा तैयार है। बीटन एग्स को अब हम रख देंगे साइड में और चलते हैं प्रिपेयर कर लेते हैं मसाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके की चाउमीन बनाने के लिए। तो 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर और नमक डाल देंगे। और ये एक मसाला तैयार कर लिया हमने जो चाउमीन का टेस्ट दुगना कर देगा। तो इसको अभी रखते हैं साइड में और चलते हैं प्रिपेयर करते हैं अब स्क्रैम्बल्ड एग्स। 1 टेबलस्पून तेल को मैंने गरम करा है, उसके अंदर डाल दिया है ये जो अंडे हमने फेंट कर तैयार करे थे वो। तो मैं जो अंडे बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग, इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो रेगुलर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अब स्विच कर रही हूँ टू हेल्दी ऑयल्स फॉर कुकिंग माई रेसिपीज़। तो ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो मैं आपके सामने लाती हूँ, ताकि हेल्दी रहे डिशेस। तो ये स्क्रैम्बल्ड एग बनाकर तैयार कर लिए। अब मैंने 2 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है, जिसमें डाल दिया है 4 लहसुन की चॉप की हुई कलियाँ, इसको हल्का सा भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल दी है मैंने स्लाइस की हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो हल्का सा प्याज और लहसुन को स्टर फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बाकी के वेजीज भी। सबसे पहले मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन ग्रीन और वाइट, और लगातार इसको हम चलाते जाएंगे, फ्लेम रखा है मैंने इस टाइम हाई। उसके साथ साथ इसमें डाल दिए हैं मैंने स्लाइस्ड ये कटे हुए गाजर, और साथ साथ हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल करा है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बिल्कुल श्रेडेड जो कैबेज है हमारे पास, बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लें और उसके बाद पत्ता गोभी डाल दें। वेजीज़ का जो प्रोपोर्शन है उसमें ऐसा है कि कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है चाउमीन में, आप बढ़ा के भी डाल सकते हैं वेजिटेबल्स, कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जब आपने स्ट्रीट स्टाइल कभी भी चाउमीन खाई होगी तो देखा होगा कि जब बनाते जाते हैं वो लोग, तो इवेंचुअली ऐसे हाथों से उठा उठा कर वेजिटेबल्स को डालते जाते हैं और हाई फ्लेम पर उसको स्टर फ्राई एकदम करते जाते हैं, टॉस करते जाते हैं। तो बस यही फंडा आप भी अपनाएं घर में जब बनाना है स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट देने के लिए। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया जो मसाला स्पाइस मिक्स मैंने तैयार करा था वो, और उसके बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो 1-2 मिनट तक आप वेजिटेबल्स को पका लें और उसके बाद इसमें डाल दें मसाला, मसाले के साथ भी इसको 1-2 मिनट तक हम पकाएंगे। ओवर कुक हम नहीं करेंगे वेजीज को, थोड़ा सा क्रंची रखते हैं वेजिटेबल्स को, तभी असली मज़ा आता है चाउमीन का। तो ये वेजीज सारे कोट हो गए मसाले में। अब इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप,
उसके साथ साथ 1.5 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट विनेगर। मिक्स कर देंगे सॉसेस के साथ। ध्यान ये रखें, जब आप सोया सॉस का इस्तेमाल करते हैं तो नमक बिल्कुल केयरफुल होकर डालें, वरना नमक की क्वांटिटी आपकी डिश में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है। बस सब सॉसेस को मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिए जो नूडल्स हमने तैयार करे थे। तो आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले नूडल्स हैं, बॉईल करने के बाद इसी तरीके से होने चाहिए। अगर आप नूडल्स को ओवर कुक कर लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, अलदानते स्टेज तक कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा पका लेंगे तो नूडल्स आपस में चिपकने लगेंगे। अगर आप उसको पार्शियली कुक रखेंगे तो इसी तरीके से आपके नूडल्स खिले खिले रहेंगे। अच्छे से नूडल्स को टॉस कर लें, अगर आपके पास अच्छा बड़ा वोक है तो, या इस तरीके की कढ़ाई है तो सिंपल उसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें और उसके बाद डाल दें बस ऊपर से इस तरीके से जो स्क्रैम्बल्ड एग हमने तैयार करा था वो। और ये घर में ही हमारे बहुत ही डिलिशियस एग चाउमिन बनकर हो चुकी है तैयार। तो बस गर्मा गर्म इसको मैं करती हूँ सर्व और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके की बनी है ये हमारी डिलिशियस एग चाउमिन। तो लग रही है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल डिलिशियस चाउमिन, बहुत ही सिंपल है, देखा आपने इसको घर पे बनाना, और बहुत ही हाइजीनिकली बनती है घर पे, तो इसलिए और भी अच्छा टेस्ट तो है ही है, साथ साथ फॉर हेल्थ बेनिफिट्स दिस इज़ मच बेटर देन व्हाट वी ईट आउटसाइड। तो कोशिश करिए कि इसको घर में ही बनाएं और घर में ही खाएं, और अच्छे तरीके से बना सकते हैं हम घर में और इन्जॉय कर सकते हैं विद आर होल फैमिली। तो बस ट्राई कीजिए ये डिलिशियस सी एग चाउमिन। अगर आप वेज चाउमिन, चिकन चाउमिन की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग डिलिशियस रेसिपी के साथ। मैं इसको आज अपने घर में सर्व कर रही हूँ वेज मंचूरियन के साथ। अगर आपने वेज मंचूरियन की रेसिपी चेकआउट नहीं करी है तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ऐड कर दूँगी। इसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही डिलिशियस कॉम्बिनेशन है चाउमिन का वेज मंचूरियन के साथ या किसी भी तरीके के मंचूरियन के साथ। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, और ज़रूर से लिखकर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से देके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड स्टे सेफ़।